अच्छा बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फंक्शन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी इज द रूल ऑफ कोरेस्पोंडेंस सच दैट फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर कोरेस्पोंडेंस आर यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी इट इज डिनोटेड बाय एफ मैपिंग ए इनटू बी। सो बेसिकली फंक्शन सिंपल अल्फाज में हमारे पास क्या होता है कि अगर हम किसी को इनपुट दें तो वो बदले में जो हमें इनपुट दे रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन। अब ये जिस तरह ये मैपिंग दी हुई है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, इनके दरमियान जो है वो मैपिंग हो रही है फंक्शंस की। अब जिस तरह एफ जो है वो बी के साथ मैच हो रहा है, सिक्स जो है वो सी के साथ मैच हो रहा है, जो सेवन है वो ए के साथ उसकी मैचिंग हो रही है, मैपिंग हो रही है, और जो एट है उसकी डी के साथ मैपिंग हो रही है। तो हम क्या कहेंगे, एफ ऑफ फाइव इज इक्वल टू बी, यानी कि इसमें हमने फाइव पुट किया है तो बदले में हमें जो आउटपुट मिला है वो क्या है, बी। इनपुट हमने क्या दिया, फाइव, और आउटपुट हमें क्या मिला, बी। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। क्लियर है सबको? यस मैम। अब y हमारे पास इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी कि y डिपेंड कर रहा होता है किस पे, f of x पे। अब y हमारे पास क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। x हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इज इक्वल टू क्या है, 3x-5, ये हमारे पास क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा, लाइक जो भी हमारे पास क्वेश्चन जो होगा वो गिवन होगा। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x-y, ये हमारे पास पूरा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। समझ आई कि फंक्शन हमारे पास क्या होता है, कि कोई भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं, कोई भी हमारे पास फंक्शन है, जब उसको हम इनपुट दे रहे होते हैं तो बदले में अगर वो जो आउटपुट देगा वो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन होगा। अब यहाँ पे यूनिक एलिमेंट की वो बात कर रहे हैं, तो अगर आप ये देखें मैपिंग में तो हर एक जो है वो यूनिक एलिमेंट बना रहे, ठीक है। क्लियर है फंक्शन मैम? मैम जी 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 मैम, ये आपने कहा ना कि हमने इसको इनपुट दी है, बदले में इसने हमें आउटपुट दी है, यानी कि जो चीज हम और ये कर रहे होंगे और बदले में वो हमें आउटपुट दे रहा होगा, इस सारे प्रोसेसिंग को हम क्या कहेंगे, फंक्शन। फंक्शन ये जो आपने मैप शो किया है, फर्स्ट वाली जो डायग्राम है ए बी फाइव का जो कॉम्प्लीमेंट बनाया है, तो ये किस लिहाज से इसकी मैपिंग की है, इसके साथ ये फर्ज किया है बच्चे, एग्जांपल की मैपिंग है कि लाइक ये फंक्शन है, इसको हमने मैप कर दिया, मैचिंग कर दिया, फाइव को हमने बी एलिमेंट के साथ मैप कर दिया, सिक्स को हमने सी एलिमेंट के साथ मैप कर दिया। बेसिकली मैं ये शो करवाना चाह रही हूँ, एफ मैपिंग इनटू ए टू बी, यानी कि ये जो चीज है ये मैपिंग कर रही है। आगे फर्दर इसकी हम जो है वो टाइप्स पढ़ते हैं, फिर आपको इस मैपिंग की समझ आएगी। ओके मैम, इतना क्लियर है सबको? yes. इसको हम पढ़ते हैं एफ मैप ए इंटू बी, एफ मैप ए इंटू बी। अच्छा, आगे हम बात करते हैं डोमेन की। ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब ये जो है ये बेसिकली पूरा हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, इसके जितने भी ये फर्स्ट सेट है, इसके जितने भी ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। एंड सेकंड है रेंज, ऑल द एलिमेंट्स विच इज अटैच्ड विद द अदर सेट इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। अब रेंज क्या होगी, जितने भी ये तमाम एलिमेंट सेट बी के हैं जो अटैच हैं दूसरे सेट के साथ, उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास क्या है, रेंज है। डोमेन यानी के फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनको हमने किसका नाम दिया, डोमेन का, और रेंज हमारे पास जितने हैं यानी कि जो अटैच हो रहे हैं उनको हम किसका नाम दे देंगे, रेंज का। अब को डोमेन हमारे पास क्या होती है, ऑल द एलिमेंट्स टू सेट बी विच आर अटैच आर नॉट इज कॉल्ड कोडोमेन, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो अटैच हैं और जो अटैच नहीं है वो हमारे पास कौन से होंगे, कोडोमेन होंगे। रेंज हमारे पास क्या है, जो सिर्फ अटैच एलिमेंट होंगे उनको हम रेंज कहेंगे, और कोडोमेन हमारे पास क्या होगी, जो अटैच भी हैं और जो अटैच नहीं है, यानी कि सारे जो एलिमेंट्स होंगे
सेट बी के वो हमारे पास कोड में आ जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर 5 बी के साथ मैप कर रहा है 6, ये सी जो है ये हमारे पास एम्प्टी है, इसके कोई भी मैपिंग नहीं हो रही, तो हम क्या कहेंगे अगर इस सेट की रेंज, हम क्या कहेंगे ए बी और डी ये इसके रेंज एलिमेंट में आ जाएंगे और कोड डोमेन इसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो इसकी कोड डोमेन में आ जाएंगे। अब जिस तरह ये एग्जाम्पल है 4 के साथ मैप नहीं हो रहा, 4 5 के साथ मैप हो रहा है, 5 5 के साथ मैप हो रहा है और 6 जो है वो 5 के साथ मैप हो रहा है। अब इसमें 4 और 6 ये जो है ये रेंज में नहीं आएंगे, सिर्फ 5 जो होगा वो इसका इसकी रेंज में आ जाएगा और ये वाले जो होंगे वो सारे डोमेन में आ जाएंगे। अब 6 और 4 एंड 5 ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास क्या होंगे, कोड डोमेन में आ जाएंगे। क्लियर है सबको? अच्छा नेक्स्ट, अब इसकी हम टाइप्स पढ़ते हैं, फंक्शन की टाइप्स। तीन टाइप्स होती हैं हमारे पास, आर्म टू फंक्शन, वन टू वन फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ऑन टू फंक्शन क्या होता है। वो क्या कहता है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ये ए है और ये बी है, एफ मैप्स ए इनटू बी, यानी कि एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ऑन टू इफ आर ऑल बी इन बी, दिस इज एन अ इन अस इन ए, ये सेट जो है ए, such that f of a is equal to b, all elements in b are used। जरा समझ नहीं आई होगी कि onto function होता क्या है हमारे पास। अब ये आप देखें, ये मैपिंग है, ठीक है, r जो है वो 4 के साथ है, h जो है वो 2 के साथ है, जो o है वो फिर अगेन 4 के साथ है और q जो है वो 2 के साथ है और 5 के साथ कोई भी मैपिंग नहीं हो रही। अच्छा, अब onto function हमारे पास कौन से होंगे, यानी कि सेकंड ये जो सेट है इसका कोई भी एलिमेंट जो है वो खाली ना रहे, सारे एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच हो जाएं, वो हमारे पास क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। बात क्यों समझ आई? नो मैम, मुझे नहीं आई। मैम ऑन टू फंक्शन में जो सारे एलिमेंट्स हैं वो अटैच्ड होंगे। ये देखें, ये दो सेट है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया हुआ है और यहाँ पे मैंने टिक लगाया हुआ है। मैंने ये कहा है कि जो सेकंड सेट है उसके तमाम एलिमेंट जो हैं वो खाली नहीं रहने चाहिए, वो सारे अटैच हो जाने चाहिए फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन है। अब ये देखें, ये अटैच नहीं था, इट्स मीन ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। समझ आई? यस मैम, यस मैम। आगे है वन टू वन फंक्शन, इसमें वो क्या बात कर रहा है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू कार्ड, वन टू वन फंक्शन, whenever f of a is equal to f of b, then a b, no element of b is the image of more than one element a। ये इसको हम इमेज भी तो कह सकते हैं ना, यानी कि r of 3 ये इमेज भी तो बन रहा है ना हमारे पास। अब इसमें से ये ठीक है और ये गलत है, आपके हिसाब से वन टू वन फंक्शन कौन सा होगा अगर इस मैपिंग को हम देखें तो? कोई बताएगा मुझे? नहीं मैम, नहीं समझ आ रहा। नहीं समझ आ रही, दोबारा बताएं। अच्छा, वन टू वन फंक्शन हमारे पास क्या होगा, एक एलिमेंट का एक ही के साथ अटैच होगा, एक एलिमेंट एक के साथ ही अटैच होंगे और इसमें से ये जो सेकंड एलिमेंट है ये जो है आपस में एम्प्टी रह सकते। ओके मैम, बात की समझ आई? यानी कि ये एक का लाजमी है कि वो अटैच ना हो। हाँ, ये देखें, अब इसमें क्या है, इसमें
सारे भी हो सकते हैं अटैच, यानी कि आर जो है वो फोर के साथ, इसके साथ भी हो सकता है और एच के साथ भी हो सकता है, ठीक है, टू टाइम्स हो सकता है, फोर जो है वो आर के साथ भी हो सकता है और एच के साथ भी हो सकता है। आन टू में हमने क्या बात की कि सेकंड सेट का कोई भी एलिमेंट जो है वो हमारे पास खाली ना रहे, सारे अटैच हो जाएं। अब वन टू वन क्या है, यानी कि वन वन, यानी कि एक एलिमेंट एक के साथ ही अटैच होगा वन वन, और सेकंड सेट जो है वो एम्प्टी रह सकता है। समझ आई? ये वन टू वन फंक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशंस हैं। हाँ, ये नेसेसरी कंडीशन है, यानी कि एक का एक के साथ ही अटैच होगा वो हमारे पास क्या होगा, वन टू वन। फर्स्ट वाला जो हमारे पास सेट ए का जो कंपोनेंट होगा ना, वो सेकंड वाले सेट बी के फर्स्ट कंपोनेंट के साथ अटैच्ड होना चाहिए, ये मस्ट है। और जो सेकंड है वो एम्प्टी भी हो सकता है, मींस के किसी के साथ अटैच नहीं हो सकता। हाँ, नहीं नहीं, ये लाजमी नहीं है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ही मैपिंग कर रहा हो, ये तो जस्ट एग्जांपल है ना, यानी कि आपकी किसी के साथ भी अटैच हो सकता है। किसी के साथ भी अटैच, लेकिन वन वन के साथ ही अटैच होना चाहिए, जिस तरह वो कह रहा है ना, वन फंक्शन, यानी कि एक एक के साथ ही अटैच होना चाहिए, और सेट बी में से आपके पास जो है वो एम्प्टी रह सकता है। ओके मैम, ठीक है। अब यानी कि मैम ये लाजमी नहीं है कि एम्प्टी ही हो, नहीं अटैच भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि एम्प्टी हो, वो वैसे उसने कंडीशन बताई है कि एम्प्टी हो रह सकता है। यस मैम, ठीक है, वो वैसे उसने कंडीशन बताई है यहाँ पे कि एम्प्टी रह सकता है सारे भी। अगर ये देखे ना, यहाँ पे आपके पास चार एलिमेंट है, यहाँ पे आपके पास पांच एलिमेंट है, अब ये जरूरी तो नहीं कि यहाँ पे तीन है तो यहाँ पे चार होने चाहिए, अगर यहाँ पे तीन है तो यहाँ पे अगर तीन हो सकते हैं तो वो हमारे पास वन टू वन ही मैपिंग होगी, ठीक है। आगे हमारे पास आता है बाइजेक्टिव फंक्शन, वो हमारे पास क्या होता है, फंक्शन कैन बी बोथ वन टू वन एंड ऑन टू, सच फंक्शन आर कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन हमारे पास कौन सा होगा, ऐसा फंक्शन जो हमारे पास ऑन टू भी हो और वन टू वन भी हो, उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? एक दफा फिर मैं रिपीट करती हूँ, ऑन टू फंक्शन में हमने क्या बात की थी कि सेकंड सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रह सकता, सारे अटैच हो जाएं। वन टू वन फंक्शन में हमने बात क्या की थी कि सिर्फ एक एलिमेंट का एक ही के साथ अटैच होना जरूरी है, और इसमें जो सेकंड एलिमेंट है इसमें आपके पास जो एलिमेंट है वो एम्प्टी रह सकते हैं। और बाइजेक्टिव फंक्शन हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास वन टू वन भी हो और ऑन टू भी हो, क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी कि दोनों कंडीशन फुलफिल हो, ऑन टू के भी और वन टू वन के भी, वो आपके पास क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। नेक्स्ट अब आ रहे हैं हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट फंक्शन, वो क्या होते हैं हमारे पास, वो क्या कहता है, सपोज दैट अ फंक्शन f इज डिफाइंड ओवर एन ओपन इंटरवल i एंड x1 एंड x2 आर इन i, यानी कि इंटरवल में है, दो फंक्शन आपके पास गिवन है x1 एंड x2 जो कि ओपन इंटरवल i से हैं, और f इंक्रीज कब करेगा, If whenever x1 less than x2, यानी कि x1 जो होगा वो हमेशा less than होगा किससे, x2 से, तो वो आपका increasing function होगा। और decreasing function क्या होगा, जब x1 greater than होगा x2 से, वो आपका decreasing function होगा, और जब x1 and x2 equal होंगे तो वो आपका constant function होगा। Clear है? No ma'am. इंक्रीजिंग में क्या है आपके पास, इंक्रीजिंग फंक्शन जब एक्स वन लेस देन होगा एक्स टू के, अब जब इस पे हम फंक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो मजीद आगे क्वेश्चन होंगे, एक्स वन लेस देन होगा एक्स टू के, तो वो आपके पास क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये इसकी डेफिनेशन है, फॉर एग्जाम्पल एक्स वन अगर आपके पास आ जाता है 5 और एक्स टू आपके पास आ जाता है 4, जब इसको हम फंक्शन में पुट करेंगे साथ हम, यानी कि ये एफ जो है वो पुट कर देंगे, तो कंडीशन वो क्या कहते हैं, जब लेस देन होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, और जब एक्स वन ग्रेटर होगा किसके, एक्स टू के, तो वो होगा एक्स टू के डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, और जब दोनों इक्वल होंगे तो वो क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन। ओके मैम, गॉट इट, क्लियर? यस मैम। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, वो क्या कहते हैं, एफ ऑफ एक्स गिवन है हमारे पास और जी ऑफ एक्स भी गिवन है। अब दो फंक्शन हमारे पास गिवन है, ठीक है, एक एफ ऑफ एक्स है और एक जी ऑफ एक्स है। अब हमने ये वैल्यूज जो हैं ये फाइंड करनी है, एफ ऑफ 2 फाइंड करना है, क्वेश्चन ये है, एफ ऑफ 9 फाइंड करना है और जी ऑफ ए प्लस 2 जो है ये हमने फाइंड करना है। अब ये है एफ ऑफ एक्स, ये है एफ ऑफ 2, मीन्स के जिधर हमारे पास एक्स होगा उधर हमने क्या पुट कर देना है, 2 पुट करते जाना, इसकी वैल्यू पुट करनी है 2, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब जिधर जिधर मेरे पास x आ रहा है उधर उधर जो मेरे पास गिवन है 2, वो मैंने वैल्यू पुट कर देनी है। अब 2 2s आर 4 प्लस ये 10 आ जाएगा माइनस 3, सिंपल इसको हमने सॉल्व कर लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3। सेम इसी तरह एफ ऑफ 9 है, इसके लिहाज से तो ये आ जाएगा मेरे पास, जब इसको मैं जिधर जिधर एक्स है उधर उधर मैंने क्या पुट करते जाना है, 9 पुट करते जाना है, तो मेरे पास एफ ऑफ 9 फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 39। अब जी ऑफ एक्स का भी सेम ऐसे ही है, 2x प्लस 3। अब जिधर मेरे पास एक्स है उधर मैंने क्या पुट कर देना है, a प्लस 2। अब यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे इस एक्स की जगह पे मैंने क्या पुट कर देना है, a प्लस 2, तो ये आ जाएगा 2 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a प्लस 4 प्लस 3। अब ये दोनों मेरे पास कांस्टेंट हैं तो ये आ जाएगा 2a प्लस 7। क्लियर है? यस मैम, बहुत इजी ये क्वेश्चन है, ये है आप लोगों की एक्सरसाइज। नेक्स्ट चले, सबको समझ आ गई है? यस मैम। अच्छा आगे है, फाइंडिंग एक्सप्रेशन फॉर एफ ऑफ एक्स। एक्सप्रेशन हमने फाइंड करना है किसी भी फंक्शन का, इसके लिए दो हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो उसने दी हुई हैं। मैं मुनज्जा कह रही है मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, कहती है कट कट के आ रही है, कम आ रही है शायद, सिग्नल का इशू है ना। अब आ रही है आवाज नजर? अच्छा, फाइंडिंग एक्सप्रेशन फॉर एफ ऑफ एक्स, जब हम एफ ऑफ एक्स के जो एक्सप्रेशन है वो फाइंड करेंगे, उसके लिए दो कंडीशन है हमारे पास। पहले हमने क्या सॉल्व करना है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर वाई, यानी कि पहले हम वाई की वैल्यू निकालेंगे, रिप्लेस y विद f of x, फिर जो y को हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, f of x के साथ। ये दो कंडीशन जो हैं, इन कंडीशंस को आपने याद रखना है, आगे जब हम क्वेश्चन करते हैं फिर आपको मजीद इसकी समझ आएगी। सॉल्व है इक्वेशन फॉर y, ठीक है, इक्वेशन को हमने किसके लिहाज से सॉल्व करना है, y के लिहाज से, देन रिप्लेस y विद f of x, देन हमने y को रिप्लेस कर देना है किसके साथ, f of x के साथ। ये क्वेश्चन है हमारे पास, वो कहते हैं एन इक्वेशन दैट डिफाइंस वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन।